एक ऐसा लाइटर है जो सूर्य के प्रकाश में बैटरी को चार्ज करता है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो इसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है, एक एलिमेंट लगा हुआ है, ये एलिमेंट जलने लगता है, अतः हम आग को जला सकते हैं। ये लाइटर किसी भी रसोई घर, सिगरेट जलाना, बीड़ी जलाना आदि में उपयोग लाया जा सकता है। लाइटर को बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सोलर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट को सपोर्ट करने के लिए इस फ्लैम को ऐसे मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद पीछे से सोलर प्लेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तारों को बाहर ला जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे बैटरी के मेन टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिए जाते हैं। अब किसी को एक RX 35 3500 जो चार्जर की पिन होती है, इसको अटैच कर दिया जाता है। यदि धूप न निकले तो हम इस लाइटर को मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट चार्ज हो जाता है। और जब धूप निकलेगी तो ये पैनल से चार्ज हो जाता है। लाइटर को बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सोलर पावर बैंक, सोलर पावर प्लेट, एक सॉकेट, M3 ठीक, दो छोटे छोटे पिन, एक टंगस्टन वायर को ऐसे क्वाइल की शेप में तैयार किया जाता है। क्वाइल के रूप में तैयार किया जा सकता है। इसको सपोर्ट करके हम इस बेस से इसको अटैच किए और इस एलिमेंट को ऑन करते हैं। लाइटर को बनाने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है, जो 1 एम्पियर की चार्जिंग बैटरी होती है, जो चाइना कंपनी से निर्मित होती है। लाइटर को ऑन और ऑफ करने के लिए एक PC स्विच का प्रयोग किया जा सकता है, जो बैटरी के एक पॉजिटिव वायर से सीधा कनेक्ट किया जाता है। अब ये हमारी सर्किट पूर्ण हो जाती है। अब हम यदि बीड़ी जलाना चाहें तो बीड़ी जल जाती है। यदि हम आग लगाना चाहें तो आग लग जाती है। माचिस की तीली से हम आग को जला सकते हैं। यदि हमारी माचिस गीली हो जाए और गीली हो जाने के बाद आग ना लगे तो हम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आग लगा सकते हैं।
प्रोजेक्ट को चार्ज करने के बाद करीब 10 दिन प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रोजेक्ट सोलर पैनल के माध्यम से चार्ज होता है। यदि धूप ना निकले तो ये प्रोजेक्ट से किसी भी मोबाइल के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है और ये मोबाइल कोई भी किसी भी कंपनी का 3500 होना चाहिए।